हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मैथड लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज़, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसका एक फिगर बना लेती हूँ ताकि मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, फिर इसमें कहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक टेंजेंट, जो ये पी पॉइंट, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि सर्कल की जो बॉर्डर और टेंजेंट का जो पॉइंट, जो यहाँ पे दोनों मीट करते हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो ये ए बी हमारी टेंजेंट हो गई और पी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, और एक सर्कल का हम सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं ओ। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, मतलब कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, तो उसके ऊपर अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो आपको ये कहा है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर आप कोई भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो थ्योरम जो हमने 10.1 की थी वो हमारी ये थी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो मतलब उस थ्योरम का, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये सेंटर से अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने ये उस थ्योरम में प्रूफ किया था कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। बट अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि अगर हम पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा, किसी और पॉइंट से वो पास नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ओ पी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारी सर्कल की रेडियस है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। तो इसमें एक पॉइंट और लेंगे कि अगर पॉसिबल है, ये तो हमारी थ्योरम 10.1 से ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 10.1 थ्योरम में यही तो कहा है कि ये जो रेडियस और ये जो टेंजेंट सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनके बीच में परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं जो भी सर्कल के अंदर ही है, बट वो हमारा सेंटर पॉइंट नहीं है। और पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम इसका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अगर पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे और तो कोई प्रूफ होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ओ पी बी तो हमारा थ्योरम 10.1 से 90 हो जाएगा, और एक्स पी बी हम कंस्ट्रक्शन से 90 लेंगे, इक्वेट करेंगे और प्रूफ इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें प्रूफ दैट का है, तो सबसे पहले जब भी प्रूफ क्वेश्चन आपके प्रूफ दैट से स्टार्ट होंगे तो हम उसे थ्योरम के जैसे करेंगे, गिवन टू प्रूव, प्रूफ बिल्कुल ऐसी। तो हमें गिवन क्या क्या है, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी बी द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग, ए बी बी द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट पी। तो हमें एक सर्कल गिवन है और उसका सेंटर है ओ, ए बी एक टेंजेंट है और पी हमारा जो ए बी टेंजेंट है वो कहाँ से सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो पी पॉइंट पे। तो ये हमने लिखा। नाउ टू प्रूव, हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें जो हमें यही प्रूव करना है, प्रूव दैट के बाद में सारा लिख देना है, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है उसमें से प्रूव दैट नहीं लिखना है, बाकी सारा लिख लेना है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर।
ठीक है, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे यहाँ पे जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा कहाँ से पास होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा किससे पास होगा, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास होगा। नाउ प्रूफ। तो सबसे पहले ये जो हमने, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये सर्कल का सेंटर है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सर्कल को सेंटर पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया है, उसको हम थ्योरम 10.1 से पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वी नो दैट बहुत इजी है, बस एक आपको 10.1 थ्योरम लगानी है और एक इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके और इसको इजीली हम प्रूफ कर लेंगे। तो वी नो दैट टेंजेंट, थ्योरम 10.1 लिख रहे हम, ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये तो हमने यहाँ से लिख लिया, तो देयर फॉर ये हमारी थ्योरम कौन सी है, 10.1 थ्योरम से लिखा। तो देयर फॉर ओ पी, ये जो ओ पी है इस थ्योरम से हमारा ए बी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो सो एंगल, हमारा एंगल जो है ओ पी बी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो एंगल ओ पी बी इज 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर हम 1 लेते। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ 10.1 थ्योरम लिखा है, जो ये हमने रेड लाइन को ज्वाइन किया वो हमने 10.1 थ्योरम से एक्सप्लेन करके लिख दिया। नाउ अब हम इस लाइन की बात करते हैं एक्स पी की। तो लेट पॉसिबल या इफ पॉसिबल, कॉन्ट्रडिक्शन मैथड तो हम ऐसे ही लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट पी एक्स बी परपेंडिकुलर टू ए बी। लेट किया कि हमने ये जो हमारी पी एक्स लाइन है वो भी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर, अगर पॉसिबल है तो हमने इसको ड्रॉ किया है। नॉट पासिंग थ्रू, लेकिन वो हमारी सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है, नॉट पासिंग थ्रू ओ, जो हमारी सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है, बट ये हमारी इस पे परपेंडिकुलर, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, एक्स पी भी ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारा कहाँ से लिखा, लिखा हमने बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने लेट किया यहाँ पे, इफ पॉसिबल है तभी हमने बनाया है। तो अब एंगल बाय कंस्ट्रक्शन से हमारा एंगल एक्स पी बी भी कितना हो गया, हैंस एंगल एक्स पी बी इज ऑल्सो 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, दोनों के राइट साइड इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। हैंस फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल एक्स पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही एंगल आपके 90 के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस थ्योरम से तो 90 डिग्री का एंगल वही बनाता है जो सेंटर से पास होता है, लेकिन ये लाइन तो हमारी सेंटर से पास हो ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट कैनॉट बी इक्वल टू होल, क्योंकि ये जो है हमारा 90 डिग्री एंगल है, ओ पी बी हमारा 90 डिग्री एंगल है और एक्स पी बी इसका एक पार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ भाई ये हमने एंगल बना लिया, जैसे मैं बड़ा बनाती हूँ, जैसे मैं 120 डिग्री एंगल बनाया, ये एंगल हमारा 120 डिग्री, अब इसमें से मैं 90 डिग्री बनाती हूँ, तो ये वाला एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री, तो ये जो मैंने 90 बनाया है, 90 हमारा 120 के इक्वल थोड़ी ना होगा, क्योंकि तो 120 का एक पार्ट है 90, क्योंकि 90 में 30 ऐड करेंगे तब हमारा 120 आएगा, तो सेम यहाँ पे भी ऐसी है। तो ये तो हमने लेट किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसमें क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मैथड लेना, इसलिए इस तरह से इसको सॉल्व किया है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिगर से ही दिख रहा है कि जब ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो ये इसका एक पार्ट है, और पार्ट इस पूरे एंगल 90 के इक्वल कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 90 120 के इक्वल नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो सकता,
तो फिर हम क्या लिखेंगे, विच इज़ पॉसिबल. अब ये जब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा वो हम बताते हैं. तो विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ लाइन एक्स पी पासिस थ्रू. जो हमारी लाइन है एक्स पी, वो कहाँ से पासिस करे, ओ से. 90 डिग्री एंगल तभी पॉसिबल है, पासिस थ्रू ओ. ठीक है, हैंस द, अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स पॉइंट लिया, आप कोई और भी पॉइंट ले लो, चाहे इधर ले लो, कि ये वाला एंगल भी हमारा 90 है, ये एंगल भी इस फिगर में हमारा 90, ये एंगल भी इसमें हमारा 90 है. मैं अगर यहाँ पे और इस पॉइंट के अलावा जो सेंटर से पास हो रहा है उसके अलावा आप कितने भी पॉइंट ले लो और बाय कंस्ट्रक्शन से लिख लो कि पॉसिबल हो कि अगर हम 90 डिग्री एंगल बना लें, लेकिन वो प्रूव यहाँ पे 90 डिग्री एंगल तभी बनेगा, वो पॉसिबल तभी होगा जब ये कहाँ से पास होगी, सेंटर से. तो ये पॉइंट इसमें कॉइंसाइड करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तभी तो हमारा ये पॉसिबल है कि वो इसमें 90 डिग्री का एंगल बना है. इसीलिए हम लिख रहे हैं कि वो पॉसिबल तभी होगा जब एक्स पी जो लाइन है वो एक्स पॉइंट से पास ना होके कहाँ से पास करे, ओ से पास करे. तो हैंस द, तो एक ही लाइन ऐसी पॉसिबल है जो कि सेंटर से पास करेगी, बाकी सारे पॉइंट आप चाहे कितने भी ले लो वो पास नहीं करेंगे. तो हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर. ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही पॉसिबल है कंडीशन कि जिसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो सेंटर से पास करेगा. तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना था कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल से जो लाइन बनेगी वो हमारी कहाँ से पास होगी, सेंटर से. तो ये इसको प्रूव करने के लिए हमने कॉन्ट्राडिक्शन मैथड लिया कि हमने एक और पॉइंट लिया, एक लो, दो लो, तीन लो, कितने भी पॉइंट ले सकते हो, और लेट के हमने उसका उसको लाइन उस पॉइंट को टेंजेंट के साथ ऐसे बनाया कि वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. लेकिन एक जो कंडीशन है, जो 10.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लाइन सेंटर से पास होती है वही 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो फिर ये दूसरी वाला पॉइंट जो हम लेंगे वो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, वो तो बनाएंगे ही नहीं. तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और वो पॉसिबल तभी होगा जो हमने पॉइंट लिया है वो हमारा सेंटर से पास हो. इसका मतलब ये कि कोई भी आप पॉइंट ले लो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, सिर्फ जो सेंटर से पास होगा वही एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.